तो भाई काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि भाई कार वॉश कराऊं अपनी, इसकी हालत बहुत बुरी है क्योंकि रजौरी में गाड़ी दिलवाना है ही बेवकूफ़ी। पहले मैं आपको बात बताता हूं, और किसी ने मेरी ये लाइट तोड़ दी है, अगर मुझे वो दिखता ना कब तोड़ी है उसने, बताया देखो यहां से उसने तोड़ी है और ये दो छोड़ गया और इसको खींच लिया, ये देखो आप। तो भाई बाकी आपने यूट्यूब फैमिली लव यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते, और उसने ये मेरी लाइट तोड़ी है भाई, ये चेक करें। तो भाई जो मेरा शीशा टूटा था एक्चुअली उसकी वजह से क्या हो गया कि कांच जो है ना गाड़ी में बहुत सारा आ चुका था, अभी आप देख सकते हो अभी मैंने वैक्यूम करवाया है, बट ये देखो छोटे छोटे ये जो ना ये बड़े ख़तरनाक है भाई, किसी के हाथ में लगेगा तो मुश्किल बनेगी। अभी सीट शीट पूरी फोल्ड करवा के तो हो चुका है यहाँ से, अब इसको भी ये देखो छोटे छोटे ये यहाँ पे कांच पड़ा हुआ है बहुत सारा, क्योंकि इसके बीच में पूरा कांच आ चुका है, ये वाला टूटा था शीशा। तो भाई अभी इंशाल्लाह जल्दी इसकी अच्छी सी मैटिंग करवाएंगे हम, खूबसूरत वाली मैटिंग जिसको बोलते हैं, और इसके सीट कवर भी चेंज करवाएंगे हम जल्दी इंशाल्लाह, तब तक अभी हम ऐसे ही चलाएंगे इसको। तो भाई रजौरी की रोड इस तरह की है तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि कार आपको वॉश करवानी चाहिए कभी भी, चलने दो बस ऐसे ही, पर कभी कभी ज़रूरी फील होता है क्योंकि मुझे बाइक का नफरत है गंदगी से। तो अभी आप देखो अगर यहाँ बंदा रजौरी में शीशा खोल के चलाएगा गाड़ी, ये हालत होती है, इधर देखो इतनी डस्ट अंदर है भाईगढ़, और एक ही बार मैंने चक्कर लगाया था। तो अभी हम कार करवा रहे हैं वॉश यहाँ पे, और यार ये जो बंदा है इसको ये व्लॉगर बनना चाहता है, बस ये वीडियो नहीं डालता है लेकिन सिर्फ व्लॉगर बनना चाहता है, मतलब वीडियो नहीं बनाएगा, कुछ नहीं करेगा, कोई कंटेंट नहीं करेगा, तो हमारे पास कंटेंट नहीं है लेकिन हम दिखाएंगे आपको ये वाला ऑटो। यहाँ पे इतने ये वाले ई रिक्शा रखे हुए हैं भाई, ये चेक करें आप, रजौरी में ऐसे बंदा शीशे बंद करके गाड़ी में नहीं बैठ सकता, तो ये तो खुला है यार, जो बैठ के आएगा उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी कसम से इस पर, बट ये है कि ठीक है अच्छा है, लौट गई रे वाह, इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा भाई, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, विक्रांत के नाम से भाई, विक्टोरी। इसमें देखो ये थ्रोटल, देखा थ्रोटल, ये देखो यहाँ पे इसमें पता कितने बंदे बैठेंगे, दो चार और एक ड्राइवर के साथ बैठ सकता है, बट ये पीछे बैठाएंगे तीन छः और तीन आगे, और यहाँ पे लिखवाया जाएगा टैक्सी, ये जगह पे भाई ये टैक्सी के लिए होता है। तो एक ये मॉडल है, एक ये मॉडल है इनके पास। अभी होगी अपनी कार वॉश, खूबसूरत कार वॉश देखेंगे उसका क्या, रजौरी की कंडीशन, रजौरी की रोड्स को यार क्या बोलूं भाई गढ़, बस उसी के हिसाब से ये कार वॉश होने वाली है, और कम से कम आठ नहीं यार है, कितने टाइम के बाद कार है गाड़ी वॉश है, दो महीने में लगता है यार, दो महीने से ऊपर हो चुका है भाई, हम करा क्योंकि मन ही नहीं करता यार यहाँ पे कार वॉश करने का। चेक करो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने इसका कलर आ गया यार, कितनी मिट्टी थी आप सोच ही सकते कसम से, बहुत ज़्यादा। अब आ चुका है सामने इसका शक्ल और सूरत वापस। भाई ये हो गया फॉर्म वॉश, और गाड़ी अपनी हो गई है बिल्कुल वाइट, ये चेक करो भाई, चलो जी बारिश शुरू हो गई है, टायरों पे मारेंगे, बारिश शुरू होगी बारिश भाई, हमारा बैड लक चेक करो, गाड़ी दिलवाने लाई थी तो बारिश शुरू होगी भाई।
लेकिन चलो यार ये है कि अच्छे से वॉश तो हो जाएगी ना ऊपर नीचे से, ये अच्छे से। सबसे सही तरीका ये होता है कि कपड़े को बिल्कुल बराबर मारना चाहिए, तब भी आपको कोई ब्लैक गाड़ी में दाग नहीं दिखता। अगर आप मिक्स करके मारोगे ना फिर समझ भी नहीं आएगी कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है। ये तरीका होता है भाई, चेक करो, जितने भी कार वॉश वाले हैं सब देख लो भाई, ऐसे गाड़ी धोनी है। एक्चुअली जो टेप थी ना मैंने उस टाइम इसलिए नहीं उतारी क्योंकि टेप का दाग रह जाता है। तो अब ये है कि अब ये देखें आप, पानी के साथ उतारना पड़ता है इस टेप को हमेशा, पानी लगा के इसमें ना फिर दाग नहीं रहता इसका। ये तभी छूटेगा आपका जब ये क्योंकि जम अगर ये गम रह जाएगी ना इसके ऊपर तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है साफ करना इसको, इसलिए ये गम जो है ना गम। भाई लिफ्ट हो रही है भाई, डर ही लगता है भाई, इतनी गाड़ी उठाई है इन्होंने। देखो आवाज कहाँ से आ रही है नेट को जो बोल रहा है। भाई चेक करो, चेक करो भाई गाड़ी हवा में। अब इसके नीचे घुस के देखेंगे भाई क्या क्या आवाज आ रही है, सब चेक करेंगे अभी हम। पता नहीं कहीं से आवाज़ आ रही है यार, अब समझ नहीं आ रही है वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, कोई नेट लूज़ है, शॉकर लूज़ है, क्या चक्कर है यार, समझ नहीं आ रहा वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। फटिया के बहुत गंदी वाली आवाज़ आ रही है, नेट तो मुझे लगता है सारे ठीक है, फटिया के पता नहीं कहाँ से आ रही है। देखो भाई जिसे देखो गाड़ी का सिस्टम क्या है, एक बार सस्पेंशन का काम इसका करवाना पड़ेगा हमें। वॉश करने का तरीका होता है, पहले आपको ऊपर से बॉडी वॉश करनी है जिसे पैंट है, देन उसके बाद आपको प्लास्टिक इसका वॉश करना है, और उसके बाद सबसे लास्ट पे आपको टायर वॉश करना है, और टायर को वही ब्रशिंग से वॉश करना चाहिए तभी जाके ये अच्छे से सफाई होती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो ये वाला बॉडी वाला प्लास्टिक वाला कपड़ा मार देते हैं इस पर और इस पर आ जाते हैं स्क्रैच, वो नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करना है तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगा। ये चेक करो इतना ऊपर उठा के उन्हें वॉश किया यहाँ से, ये अंदर से भी अच्छे से वॉश हो चुकी है पूरा। लैंड हो चुकी है अपनी गाड़ी फिर से भाई, भाई ये जो लाइटें तो तोड़ी है ना भाई, बड़ा दुख हुआ यार मुझे भाई, बात ये लाइट चेक करो आगे वाली फ्रंट, ये लाइटें तोड़ी हैं।